अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन एडिटो। मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी भिंडी। बहुत ही टेस्टी और माउथ वाटरिंग रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दें। यहाँ पर हमने आधा किलो भिंडी ली है, छोटे छोटे साइज़ की भिंडी है ये। एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फाइनली काट लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, दो टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, वन टीस्पून गरम मसाला, वन टीस्पून नमक, एक कटोरी दही ली है और यहाँ पर हमने आमचूर लिया है। सबसे पहले हम भिंडी को आमचूर लगाएंगे उसके अंदर। तो हमने कट लगा लिया है भिंडी में। देखिए, पहले हमने इसकी नोक काट दी है, ऊपर से काट दिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर कट लगा दिया है बीच सेंटर में। और उसके बाद हम इसके अंदर आमचूर भर देंगे जिससे सादी ना लगे, चटपटी सी भिंडी बने। तो इसी तरह से हम सारी भिंडी में कट्स लगाने के बाद भिंडी को भर देंगे। यहाँ पर हमने ऑयल गरम करके भिंडी को फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले हम भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही चटपटी सी भिंडी बनती है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको सब्जी खाना पसंद है तो भी। ये देखिए, अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे भिंडी को और उसके बाद हम भिंडी को निकाल लेंगे। ये देखिए, सारी भिंडी निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ऑयल कम कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है। मतलब मेरी मम्मी पका रही हैं ये। ये देखिए, प्याज ब्राउन हो चुकी है। प्याज को सारी प्याज को निकाल लेना है ऑयल में से और उसके बाद जो दही है, दही में प्याज को ग्राइंड कर लेना है। जब प्याज ठंडी हो जाए तब दही में प्याज डालने के बाद फाइन पेस्ट बना लेना है। ऑयल में हम डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और हमने इसमें आधी दही डाल दी है, बाकी आधी दही हम प्याज के साथ पीस देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से भुनने के बाद थोड़ा सा इसमें हम और पानी डाल देंगे। और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, बहुत ही लाजवाब। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, पानी डालने के बाद इस पर ऑयल आ गया है। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने दही और ब्राउन प्याज को पीसा था हम इसमें वो ऐड करेंगे। ये देखिए, सारा डाल देना है जार में, थोड़ा सा पानी लेकर उसे भी डाल देना है इसके अंदर। ये देखिए, और बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जितना अच्छा मसाला भुना होता है खाना उतना टेस्टी होता है और ऑयल भी उसके ऊपर आ जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, उसके बाद हम इसे भून लेंगे। देखिए, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, दानेदार हो गया है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद देखिए, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और आपको भिंडी जितनी थिक थिन रखनी है आप उतनी रखिए। इसका शोरबा थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन आप इसे ज़रूर बनाइए। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसमें। पानी ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं और ये भिंडी अच्छी तरह से पक के रेडी है, बहुत ही लाजवाब बनी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। गैस कर दिया हमने ऑफ। ये देखिए चटपटी शोरबे वाली भिंडी बनके रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही लाजवाब और यूनिक सी रेसिपी है। अगली रेसिपी मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, भिंडी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ उसमें मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।